तो ब्लॉग और तेरा भाई जा रहा है एमटीवी रोडीज के ऑडिशन देने के लिए। एंड द मेट्रो हैज बीन अराइव्ड। ये है JLN स्टेडियम का एग्जिट और मैं जाऊंगा यहाँ से ऊपर। एक बार मैं तब आया था यहाँ पे जब कल्चर फेस्ट हो रहा था, और अब आया हूँ मैं जब यहाँ प्रोड्यूस ऑडिशन पे। पीछे जो बंदे खड़े हैं वो शायद रोडी के लिए खड़े हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो वैसे मैंने लाइफ में काफी सारे एक्सपीरियंस कर रखे हैं, तो जिसमें से एक चीज अभी बाकी है वो है रोडी का ऑडिशन। और मैं ऐसी चीज की ऑडिशन देने जा रहा हूँ जो शो मैंने कभी देखा नहीं, और जिसके बारे में मेरे को इतना पता है कि वहाँ पे जाते हैं टास्क करते हैं ये सीन होता है। अब मुझे जाना गेट नंबर 19, यार सर्च करना पड़ेगा पहले गेट नंबर 19। रिक्शे पे बैठो और निकलो आगे। 18, 19 शायद यहाँ से घूम गया। लाइन तो दिखाई दे रही है भाई, लेकिन किस चीज की है वो? या ब्रो भाई लाइन देख रहे हो, पता नहीं खत्म भी हो रही है नहीं हो रही है कहीं। ओ यार व्हाट द फक भाई, पड़ जाएगी। तो तुम्हें लगता होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम में लाइन लगती है, भूल जाओ, इंडिया में हर जगह लाइन लगती है ब्रो। रोडीज में कुछ ज्यादा लंबी लाइन लगती है, वो भी सालों से लगती हुई आ रही है। दिल्ली का सीन ना कुछ ज्यादा खतरनाक है, चंडीगढ़ इंदौर मतलब दिल्ली के अलावा जहाँ पे भी होते हैं वहाँ भी भीड़ कम होती है, लेकिन दिल्ली के हाल बुरे हैं। यहाँ सबसे लंबी लाइन लगती है और भीड़ भी कुछ ज्यादा होती है भाई, यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तो किसी का मूड करे तो आना है तो आ जाना, क्योंकि लाइन वाकई में बहुत लंबी है। दिल्ली वाले ऑडिशन में वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है, भीड़ होती है, लेकिन एक और चीज है जो नोटिस करने वाली है वो है कि यहाँ पे पता है सिलेक्शन चांसेस काफी कम होते हैं, तो इसलिए जो बंदे यहाँ सिलेक्ट नहीं होते वो भग जाते चंडीगढ़ या तो किसी और सिटी में। और एक चीज ध्यान में रखने वाली है वो है जितना जल्दी आओगे उतना बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि पता नंबर फिर जल्दी आ जाता है, लेट आओगे तो बहुत लंबी लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा, नंबर लगेगा तुम्हारा बहुत लेट। एक बार आगे जाके लाइन देखता हूँ, मतलब यहाँ काफी बंदे हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं एक बार लाइन देख के आता हूँ। और मतलब जो मेरे साथ बंदा खड़ा है ना लाइन पे वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है। यार भीड़ कुछ ज्यादा है सही में, एक बार मैं आगे देख के आ ही जाता हूँ कितने बंदे आए। मेरे हिसाब से 3000 तो होंगे। सारी वेली जनता यहाँ आ चुकी है, कोई ऑफिस छोड़ के आया है, कोई एग्जाम छोड़ के आया है, कोई स्कूल छोड़ के आया है, कोई ट्यूशन छोड़ के आया है, कोई बंदी छोड़ के आया है। यहाँ क्या जलवा हो रहा है भाई, लेट मी चेक वंस व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। यहाँ पे सारे टैलेंट शोकेस कर रहे हैं अपना, हुड बना के बंदे सारे दिल्ली वाले। तेरा भाई अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, अंदर के लिए बचा के रखो भाई। ये क्या हो रहा है? अरे ये सब तो ठीक है, मैं कहाँ खड़ा था? ठीक है, हल्ला क्यों कर रहे हैं? कौन आ गया भाई? अच्छा ये बंदा आया है, कम ऑन बॉय। इस बंदे को मैंने देखा तो था, इसका नाम मैं भूल गया। बेवजह ही चीख रहे हैं बंदे भाई, बेवजह ही चीख रहे हैं। मैं इस बंदे के साथ घूम रहा हूँ, ये बंदा मेरे को मेट्रो में दिखा था। एक चीज मैंने अभी अभी नोटिस करी है कि एक लाइन यहाँ पर भी है, और यहाँ पर सारी लड़कियां दिखाई दे रही हैं मेरे को, और यहाँ सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक बार यहाँ चलते हैं भाई, यार ये एक ही ग्रुप के लग रहे हैं मेरे को, और ऐसा लग रहा है इन्हें ले गया आया कोई बंदा। वैसे मैं जहाँ पर जाता हूँ प्रिपरेशन करके जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई विचार नहीं है सिलेक्ट होने का। सिलेक्ट होना तो बहुत बड़ी बात है यार, पहले मैं अंदर ही चला गया, अंदर जाते देखते क्या होता है। लेट्स सी ब्रो व्हाट विल हैपन। ना भाई मन नहीं है हमारा, चलते हैं उस बंदे के पास एक बार। कौन बंदा आ गया? जजेस आ गए क्या? लेट्स गो ब्रो। चलते फिरते मेरे को एक भाई मिल चुका है यहाँ पे, नाम बताओ भाई। माय नेम इज राहुल शंकर, मेरा यूट्यूब चैनल है राहुल शंकर के नेम से, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो राहुल शंकर 01। पूरा का पूरा प्रमोशन करा दिया भाई ने अपना, डोले शोले दिखाने रह रहे हैं। I'm also a vlogger. Yeah, bro. पहला ऑडिशन ये इससे पहले भी दिया? मेरा पहला ऑडिशन। मेरा भी ऐसे, मैं तो एक्सपीरियंस लेने आ गया, देखते क्या होता है। मिलते हैं जीडी रूम में दोनों भाई एक साथ। बंदा थक चुका है, यहाँ बंदे सारे के सारे बैरिकेड तोड़ रहे हैं। रेडी फर्नीचर
फेमस होने की लोग करते हैं, डीजे बजाओ नहीं तो जैसे बजता है डीजे। आजकल तो दुनिया है बड़ी, लिटरेचर अपनी बुद्धि गर्म रहता, हाई टेम्परेचर रखा को लग गया, अच्छा स्पेंडिंग अलाइव और जीवन में जीना। मैंने हर एक प्लेजर को जब टाइम मैनेज करने को मिलना, मुझे भी तो एक दिन स्टेजर है क्रेचर है यहाँ लोगों की सोच सब स्टैंडर्ड दिखाते आई अप्रोच भोगते जैसे गाड़ी को पिता भूख के मुझे न फर्क पड़े चाहे कोई टोके तबाही होने वाली है मचेगा मतलब जिनका की गवाही होने वाली है। आया हूँ मैं दान में लेके एक तूफान में होंगी नॉक आउट दोनों की तरह जाली है। तुझे मुझे दम तो दिखा बेटा टेरा एक नंबर भाई एक नंबर करा है दिल्ली का टैलेंट आ गया दिल्ली का कोरा टैलेंट। जब सबसे पहले मेरा ही कटा था जब मैंने लिखा था ये गाना तुझे भूलना इतना मुश्किल होगा था नहीं सोचा ये चाके भी नहीं भूल पा रहा हूँ क्या करूँ बता दे प्यार करने की क्यों मिलती इतनी सजाएं ये विशाल जिंदा भी है या फिर मर ही गया है याद आ रही तेरी पर तू क्यों ना आए याद है वो सपने जो तुमने तो दिखाए ये रोत लो गाने सुन के मॉडल पर की गया है बेबी आई डोंट लाइक यू रेगन डोंट विड्रॉ है तुझे याद करके करके रोया भी तुझे याद करके करके तुझे याद करके करके तुझे याद करके करके रोया भी तुझे याद करके करके तुझे याद करके करके सच्ची सोचता हूँ करा तूने क्यों ये सब मेरा छोड़ बैठा है वो रब मैंने छोड़ भी दिया तो वो नहीं छोड़ने वाला कर्मा आता वापसी भाग ले तो कितना सार प्यार की मिलती है यहीं पर ही सजाए तेरी जैसियों को तो वो रब ही बचाए अभी इतना ही लिखा है। कैसा लगा भाई बढ़िया था ब्रो चैनल सब्सक्राइब कर देना दिल्ली वाला जो भेजी दुआ वो जाके लगी ना रहा ढूंढता मैं मिली तेरी गली उठाई ट्रेन आ गया भाई भर भर के फिर बस जाम पी बेजुबा खुदा बेजुबा जहाँ भी है ये वक्त का खेल कभी था तो मेरा भी अबर रात को आते हैं काब से जब आए तू ख्वाब में आंख भरे तेरी याद भरी जहन में बिन तेरे अब दिल क्या है करे तुम मेरे हो नहीं सकते मैं फिर भी तुम्हारी तलाश में रहता हूँ रहता है गला गीला सार पल फिर भी तुम्हारी ही प्यास में रहता हूँ तुम साहिर के जैसे मैं शायर के जैसे मैं पागल हूँ आशिक हूँ मर के भी दुआ दूँ जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई ये आ गई लौट के सदा जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई ये आ गई लौट के सदा। अंकल कैसे देख रहे हैं बढ़िया ब्रो आग लगा दी इसको बोलते हैं भाई रैपर मतलब रैपर नहीं वैसे बैरिकेड निकल चुके अब जाना है अंदर गेट टूटेंगे आज तो भाई ये सारे के सारे भग रहे हैं इन्हें लग रहा है चालू हो गया आगे देख के पता चलेगा कि अंदर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। यहाँ मुझे ग्रुप मिल गया भाई लोगों का 5-6 बंदे फुल्ली टैलेंटेड लोडेड एक रैप से लोडेड है सारे के सारे भाई अगर भाई के सब्सक्राइबर्स दे कोरा टैलेंट लेके आए बंदे सब्सक्राइब कर लेना मैं हर जगह शाउट आउट मांगता हूं भाई चैनल का नाम तो बता दो विशाल दिलवाला विशाल दिलवाला और विशाल दिल्ली वाला ज्यादा हाँ ऐसा रैपर अपने टैलेंट भूल जाता हूं देखो भाई रैपिंग करता है मॉडलिंग करता है एक्टिंग करता है क्या नहीं करता बंदा सब आता भाई को बस भीड़ देख लो एक बार भीड़ से निकल के मैं यहाँ पे आया यहाँ अंदर बंदे जा तो रहे लेकिन बहुत स्लो जा रहे हैं चेकिंग हो रही है जितने भी बंदे बैग्स और टिफिन लेके आए थे सब निकाल दिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ईमेल है ईमेल में तुम्हें पता क्या करना है अपनी फोटो खींच के डालनी है सब्जेक्ट में तुम्हें अपना नंबर लगाना है रजिस्ट्रेशन बस अंदर पहुँचने वाला हूँ मैं और मेरे साथ इतने सारे बंदे भीड़ बहुत खतरनाक है कुछ खा रहे हैं कुछ बंदे पानी भी पी रहे हैं ये रिलाइन ओ वी आर हियर फर्स्ट टाइम यहाँ से अंदर ऊपर बैठो फिर चलो 2513 नंबर यहाँ से घूमो फिर यहाँ से घूम के इतना लंबा घूम के जाओ यार क्या बना रखा है इन्होंने और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अंदर इतनी देर बाद फाइनल नंबर आ गया फॉर्म ये रहा फॉर्म मेरे सामने ये रहा ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा है हल्ला हो रहा है यहाँ पे यार लुक एट द क्राउड बॉयज लुक एट दिस क्राउड सोनू पाजी ओ भाई भीड़ तो है मेरे पास ये फॉर्म है जो मैंने ऑलमोस्ट भर लिया है चलो भाई फॉर्म भर लूं पहले शोर तो होता रहेगा नीचे चलते हैं गैंग लीडर आ रहे हैं फॉर्म फिल हो चुका है जीमेल मैंने कर दिया है आगे वाले ज्यादा पागल हो रहे हैं पीछे वाले तो शांति से बैठे बेचारे अपना फॉर्म भर रहे हैं कम ऑफ
वो लोग माइक में बोल रहे लेकिन कोई भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है यस सर, दिल्ली वालों में जोश है यार। बंदा कहाँ गया? बस ठीक ठीक के आवाज बंद हुआ ना ऑडिशन देने। मेरा फोन एक ही जगह पे भाई। फिलहाल फाइनली मैंने प्रिंस भाई को देखा, गौतम भाई को देखा और रिया मैम को भी देख लिया, सोनू सूर को भी देख लिया, सबको भी देख लिया। बड़ा अच्छा लगा यार लाइव देख के लोगों को। अब मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर, सारे बैठ चुके हैं, अब जाना है अंदर। वैसे सुनने में आया कि कोई भी बंदा फॉर्म सबमिट कर सकता है किसी भी नंबर का और अभी जा सकता है। A few moments later. कितनी देर हो चुकी है पता है, मेरा रोल नंबर नहीं बोला यार, जबकि मैंने फॉर्म कितनी देर पहले सबमिट कर दिया। बैठे बैठे पता है मेरा कॉन्फिडेंस कर रहा है, वही कर रहा है। तो मुझे पता है यहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो चुकी है, करीब 2 घंटे, और मैं उन बंदों में से जिसने सबसे पहले फॉर्म सबमिट किया था। लेकिन जिन बंदों ने सबसे पहले फॉर्म सबमिट किया था ये बंदे उनको बुला ही नहीं रहे अभी तक। पता नहीं कौन से नंबर 3000 में पहुंच गए। ऑडिशन हो चुके हैं खत्म, एक्सपीरियंस था मस्त, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया। तो वेन्यू से निकल चुके हैं बाहर, ऑडिशन हो चुका, हम निकलते हैं यहाँ से सीधा। सही में बताऊँ अंदर का एक्सपीरियंस ना बड़ा खतरनाक था, मतलब तुम्हें इतना बता दूँ, भूल जाओ डांस को एक साइड रखो, म्यूजिक को एक साइड रखो, ये तो देखना ही नहीं है उन्हें। हाँ हो जाएगा जुगाड़, बाकी थोड़ा बहुत डांस कर लेना, म्यूजिक कर लेना, अगर तुम्हारी कोई ऐसी एक्टिविटी है तो ये करके दिखा देना, ये ना थोड़ा एंटरटेनिंग एडवांटेज देगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है, तो हमारे हुए 2 राउंड, पहला था मतलब वही इंट्रोडक्शन वगैरह देना था और अपना कोई भी टैलेंट वगैरह दिखाना था। वहां तो मैं कर गया रैप, मैं स्टोरी सुना रहा था, लेकिन स्टोरी बड़ी लंबी थी तो बंदे ने मेरे को बीच में रोक दिया। बंदे ने बोला मतलब स्टोरी बड़ी लंबी है, बोर कर रहा है, सीधा मेन मुद्दे पे। फिर मैं मेन मुद्दे पे आया, हो गया मैटर क्लियर। देन उसके बाद आता है जीडी राउंड में हमारा था प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, मैं था प्राइवेट स्कूल के फेवर में। यहीं से गए थे हम सारे के सारे अंदर, बाहर निकले वहां से। ये भाई लोग इन सब का भी हो चुका है, सिकंजी भी थे भाई लोग यहाँ पे। मेट्रो आ चुकी है,